हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं यकृत दाह में योगोपचार। अब आप सोच रहे होंगे यकृत दाह क्या होता है, क्योंकि ये एक साइंटिफिकली लैंग्वेज है, यानी साइंटिफिकली लैंग्वेज में से ये हेपेटाइटिस कहा जाता है और यकृत दाह भी कहा जाता है, और वहीं इसे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है पीलिया या फिर जॉन्डिस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को बहुत ही ज़्यादा वीक बना देती है, यानी अगर आपने सही टाइम पर पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया है तो धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है और हमारे ब्लड में पानी भी बनने लग जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको भी पीलिया की शिकायत है या इन पास्ट रही है तो हम आगे से पीलिया ना बढ़े उसके लिए हम कौन कौन से योगासन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि आखिर पीलिया हमारा बिगड़ता क्यों है, यानी हमारी बॉडी में पीलिया खराब क्यों होता है। लीवर के फंक्शन में कुछ गड़बड़ी के कारण, यानी लीवर की फंक्शनिंग में गड़बड़ी होने के कारण भी हमारा पीलिया बिगड़ जाता है। और इसके अलावा अगर हम डिफरेंट तरीके के मेडिसिन लेते हैं, यानी तरह तरह के मेडिसिन कोई और बीमारियों के लिए रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पीलिया को बिगाड़ देता है। और साथ में जो लोग दारू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हैं, इससे भी पीलिया बिगड़ जाता है और इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा काफ़ी सारा वायरस ऐसा होता है, यानी वायरस के संक्रमण के कारण भी हमारा पीलिया खराब हो जाता है। और जो हमारी बॉडी में तरह तरह के जीवकोश होते हैं, यानी करोड़ों की संख्या में जीवकोश होते हैं, उनके नष्ट हो जाने के कारण भी पीलिया खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि पीलिया का ट्रीटमेंट होता है, और अगर आप अच्छे से अपना पीलिया का ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये 6 वीक के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ साथ हम अगर फ्यूचर में योगा करते हैं तो योगा के करने से आने वाले टाइम में आगे आपको पीलिया की शिकायत नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको यहाँ से बताने वाली हूँ 3 ऐसे योगासन, और साथ में एक आपको प्राणायाम बताऊंगी, जिसका अगर आप अभ्यास करेंगे तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इन फ्यूचर यानी आगे चलकर आपको पीलिया की शिकायत नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको बेटर फील हो रहा है, यानी जैसे आपको पीलिया हो चुका है और उसके बाद अगर आपको वॉमिट या सरदर्द और फीवर जैसी जो बीमारी है, यानी जो पीलिया में होती है पीलिया के दौरान, अगर वो चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है और आपकी बॉडी में एनर्जी आ रही है, तो उसके बाद आप अपना योगासन और प्राणायाम का ट्रीटमेंट यानी योगासन ले सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए अब यहीं से हम शुरू करते हैं योगासन। सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे, अच्छे से शेक करेंगे ताकि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे लेग्स में अच्छी तरीके से पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम आएंगे पवन मुक्त आसन के लिए। इसके लिए हमें सिंपली अपने मैट पर लेट जाना है। हम शुरू करेंगे सिंगल सिंगल लेग के साथ, ठीक है। शुरू करना है हमें अपने राइट लेग से, यानी अपने राइट लेग को बैंड कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहीं से करना क्या है, कोशिश करेंगे अपने नोज़ वाले पार्ट को अपनी नीज़ यानी अपने घुटनों से टच करने की। अगर नहीं हो रहा है, जितना होगा उतना ही करना है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं डालना है बॉडी पर। चलिए श्वास को भरते हुए आ जाएंगे एक पाद पवन मुक्त आसन के लिए। इस तरीके से आपको करना है। दूसरा लेग आप इस तरीके सिंपली मैट पर ही रखेंगे, उठाना नहीं है आपको, इसका ध्यान रखेंगे। और यहीं पर आपको बने रहना है कम से कम 20 सेकंड तक, इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है। फिर धीरे से डाउन जाते हुए रिलीज कर लेंगे। अब यहीं से आपको दूसरे लेग के साथ भी सेम प्रोसेस करते हुए आना है, यानी अपने लेफ्ट लेग को बैंड कर लेंगे, हाथों को इंटरलॉक करते हुए आ जाएंगे, श्वास को भरेंगे इस तरीके से। अब यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। फिर धीरे से एक्सहेल, सांस को छोड़ते हुए बॉडी को रिलीज कर देंगे। ये था हमारा एक पाद पवन मुक्त आसन का अभ्यास। अब यहीं से हम फुल पवन मुक्त आसन करेंगे, यानी अपने दोनों लेग्स को बैंड करते हुए अपने हाथों से इंटरलॉक करेंगे और फिर पोजीशन में जाएंगे। देख लेंगे किस तरीके से करना है। दोनों पैर आपके बैंड हो गए, इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे। अब यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक, जितना हो रहा है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करना है, ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करेंगे। फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। दोस्तों, आपको एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि हर एक सिंगल आसन को आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है, और 20-20 सेकंड की ड्यूरेशन में आपको करना है। यानी जब मैं राइट लेग से गई थी,
उसमें भी आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है, तीन बार रिपीट करते हुए। लेफ्ट लेग से भी तीन बार रिपीट करेंगे और दोनों को एक ही पोजीशन में लाते हुए भी तीन बार रिपीट करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरे आसन की ओर आ जाएंगे जिसे हम बोलते हैं पश्चिमोत्तान आसन। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, हमारे पेट पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और पीलिया को खत्म करने में भी हेल्प करता है। पैरों को मिलाते हुए बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है, झुका के नहीं रखेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए अपने दोनों टो को इस तरीके से पकड़ लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको पूरा ही आगे जाना है, अगर आपकी बॉडी स्टिफ है, टाइट है और आपको आपके मसल्स में आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है तो स्टार्टिंग में आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस में आते आते आप पूरा फ्लेक्सिबल ईजिली हो जाएंगे एक महीने के अंदर, इसलिए आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने दोनों अंगूठों को पकड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, जितना हो सकता है उतना झुकते हुए आपको यहीं पर होल्ड करके रखना है 20 सेकंड तक। फिर धीरे से दोनों हाथों को उठाते हुए रिलीज कर लेंगे। चलिए अब यहीं से आ जाएंगे हम तीसरे आसन की ओर जिसे हम बोलते हैं शशांक आसन का अभ्यास। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है, इसमें करना क्या है आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेना है, ठीक है। आगे से पैरों को खोलते हुए पीछे से पैर आपके लॉक रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए सांस को भरेंगे, धीरे से अपनी एल्बो को डाउन करते हुए हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे। अब पूरा एक्सहेल करते हुए आगे की ओर जितना हो सके चले जाएंगे। चेस्ट वाला पार्ट आपका मैट से टच हो जाएगा लेकिन पेट वाला पार्ट आपका टच नहीं होगा। पैरों को जितना हो सके उतना खोल लेना है ताकि बॉडी आपकी ईजिली आगे फॉरवर्ड हो जाए। इस तरीके से यहीं पर 20 सेकंड बने रहेंगे, फिर धीरे से बैक आते हुए रिलीज कर लेंगे। इसे भी आपको तीन बार रिपीट करते हुए आना है 20 सेकंड की ड्यूरेशन में। तो दोस्तों ये थे हमारे तीन ऐसे योगासन और अब इसी के साथ मैं आपको एक प्राणायाम बताने जा रही हूँ जिसके अभ्यास से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी पीलिया में। तो आपका जो चौथा और अंतिम प्राणायाम है उसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन हमारे नाक से होने वाला प्राणायाम है, हमारी प्राणवायु को भी बढ़ाता है, हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है, यानी हमारे शरीर में टोटल 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जिनकी शुद्धि का काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। और कहीं ना कहीं हमें और भी बीमारियों में बहुत हेल्प करता है, उसी के साथ साथ पीलिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। चलिए अपने हाथ से मुद्रा बना लेंगे। करना क्या है, अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस तरीके से लगा लेंगे अपने थंब के नीचे, ये इस तरीके से आपकी पोजिशन रहेगी, ठीक है। अब यहीं से थंब वाला पार्ट यानी जो अंगूठा है वो आपके राइट नोस्टल यानी दाई नासिका पे सेट हो जाएगा, ठीक है। दाई नासिका पे यानी नाक के छेद पे आपको इस तरीके से रख लेना लॉक करते हुए। अब यहीं से करना क्या है, सिंपली जब आप इनहेल कर रहे हैं तो अपने मन में काउंट करते हुए आपको करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ इसलिए मैं काउंट करते हुए आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज आपको सेल्फ काउंट करना है अपने आप। देख लेंगे किस तरीके से करना है। आपको करना क्या है, अपने लेफ्ट नोस्टल से 5 टाइम यानी 5 ब्रीथ इनहेल करते हुए आना है और एक्सहेल भी आपको 5 ब्रीथ तक ही करना है, ठीक है। आपका लेफ्ट से इनहेल जाएगा 5 ब्रीथ और राइट से आपका एक्सहेल जाएगा 5 ब्रीथ, ठीक है। देख लेंगे किस तरीके से, बहुत ही सिंपल अभ्यास है, आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं होगी करने में। देख लेंगे अब लेफ्ट नोस्टल से इनहेल करते हुए आते हैं, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, तो देखा आपने, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने लेफ्ट यानी बाई नासिका से सांस को भरना है 5 काउंट, यानी अपने मन में आपको 5 बार गिनती करनी है सांस को भरते हुए। और जब आप राइट यानी दाई नासिका से सांस को छोड़ रहे हैं तब भी आपको 5 काउंट ब्रीथ करना है, यानी सेल्फ काउंट करते हुए सांस को बाहर छोड़ देना है। यानी हर बार सांस आप लेंगे अपने लेफ्ट यानी बाई नासिका से और हर बार आपको अपने राइट यानी दाई नासिका से सांस को छोड़ना है। ये अभ्यास होता है हमारा नाड़ी शोधन का। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऐसे योगासन जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं यकृत के लिए, यानी हमारे लीवर को फिल्टर आउट करने के लिए और हमारे पीलिया की समस्या को ख़त्म करने के लिए।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंचते रहे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।